आदर्श शिक्षण समिति बाढ़ में की ऑनलाइन कक्षाओं में आप सभी का अभिनंदन स्वागत। आज हम कक्षा दसवीं विषय हिंदी पाठ ईद का अशेष हजार पार जिसका हम अध्ययन करने वाले हैं। गत सप्ताह हमने पढ़ा था कि ईदगाह का मेला लगता है, उस मेले को देखने के लिए आमिर अपने मित्रों के साथ में जाता है। अलग अलग प्रकार के मित्र अलग अलग प्रकार के खिलौने खरीदते हैं और उन खिलौनों को लेने के बाद में सब एक दूसरे को खिलौने बताने लगते हैं। लेकिन हामिद नाम का जो बालक होता है वो किसी प्रकार का खिलौना नहीं खरीद करके एक चिमटा खरीदता है और उस चिमटे को अपने जितने भी मित्र होते हैं उन मित्रों के खिलौनों में से सबसे श्रेष्ठ खिलौने के रूप में साबित करने का प्रयास। चिमटे को वह फिश्ती को मारने का, सिपाही से लड़ने का सभी प्रकार के बहाने बनाकर उनके सामने एक मजबूती के रूप में खड़ा रहता है। अब सब उस ईदगाह से लौट करके जब वापस घर आते हैं तो अपने साथ में लाए गए खिलौनों को किस प्रकार से अपने घर में सुसज्जित और व्यवस्थित करते हैं और उनके बाद में उन खिलौनों का क्या हास्य होता है, उनका वर्णन आज हम पढ़ने वाले हैं। 11 बजे गांव में हलचल मच गई, मेले वाले आ गए। मोहसिन की छोटी बहन दौड़कर भिस्ती उसके हाथ से छीन लिया और मारे खुशी से उछली तो मियां भिस्ती नीचे आ रहे सुरलोक शिरारे। इस पर भाई बहन में मारपीट हुई, दोनों खूब रोए, उनकी अम्मा या ससुर कर बिगड़ी और दोनों को दूध चाटे रहता है। अब क्या होता है, 11 बजे मेले से सारे लौट करके घर की तरफ आते हैं। मोहसिन का जो खिलौना पिस्ती था उसको लेने के लिए मोहसिन की बहन उसकी ओर झपटती है। जैसे ही झपटती है तो उसके हाथ से पिस्ती गिर जाता है और बिस्ती टुकड़े टुकड़े हो जाता है, चूर चूर हो जाता है। दोनों भाई बहन के बीच में कहासुनी होती है, मारपीट होती है और शोरगुल होता है। शोरगुल को सुनकर उसकी माता भी दौड़ करके आती है और आवाज को सुनकर वो क्या लगाती है, चांदने लगाती है। मियां नूरे के वकील का अंतर उनके प्रतिष्ठान को इससे ज्यादा गौरव में हुआ। वकील जमीन पर ताक पर नहीं बैठ सकते, उनकी मर्यादा का विचार रखना होगा। दीवार में दो खिड़कियां गाड़ी गई, उस पर लकड़ी का पट्टा रखा गया, पटरे पर कागज का कालीन बिछाया गया। वकील राजा भोज के सिंहासन पर फिरा। अब जो नूरे था वो एक वकील को खरीद करके लाया था, अपने जो दीवार की उसमें दोस्त ने छेद किए उसके पट्टा रखा, उस पट्टे उन्होंने कागज बिछाया कालीन के रूप में, उसके कालीन उसको विराजमान किया, उस वकील साहब को विराजमान किया और पास में बैठ करके क्या करने लगा, पंखा चलाने लगा। अदालत की खस की तटिया और बिजली के पंखे रहते हैं, क्या यह मामूली पंखा न हो, कानून की गर्मी दिमाग पर न चढ़ जाए। कानून जो पढ़ता है ना उसका दिमाग हमेशा गर्म रहता है और कानून की गर्मी उसके दिमाग में नहीं चढ़ जाए, उसने पंखा चलाने का भी काम प्रारंभ किया। बांस का पंखा आ गया, नूरे हवा करने लगा, मालूम नहीं पंखे की हवा से या पंखे की चोट से वकील साहब सड़क लोग या मिट्टी लोग को बता गए। जैसे पट्टे पर बैठे थे और वहां काली बिछी हुई थी, काली की तो वकील साहब गिराते हुए थे और उस पंखे से क्या कर रहा था, हवा डाल रहा था, कहीं उसकी दृष्टि ओझल हो गई, जैसे फास्ट ट्रक की जो पंखी थी वो उससे टकराई तो वकील साहब ही कहा है धरातल पर आ गए और सड़क लोग या मिट्टी लोग में बता गई और पूरे घर में क्या छा गया, मातम छा गया। यानी जब कोई व्यक्ति मर जाता है तब जितना दुख होता है उतना दुख छा गया, माटी का शोला माटी में मिल गया। अब रहा महमूद का सिपाही, उसे चटपट गांव का पहरे देने का चार्ज मिल गया। उसको कहा कि तुझे पूरे गांव का क्या देना है, पहरा देना है, चौकीदारी करनी है। लेकिन पुलिस का सिपाही कोई साधारण व्यक्ति नहीं होता है, वो पैरों से नहीं चल सकता, वो पालकी पर चलेगा। उसकी पालकी मंगा गई, उस पालकी में बिठा कर उसको चलाया गया और उसमें क्या कर दिए गए, कुछ लाल रंग के पुराने फटे चीजें डाल दिए गए
और सिपाही साहब उसे आराम से लेट गए। अब आप कल्पना करिए लेटा हुआ सिपाही क्या जिम्मेदारी करेगा। नूर ने टोकरी उठाई और द्वार का चक्कर लगाने लगा। इस टोकरी में उसको बिठा दिया, सरपंच टोकरी को रख लिया और टोकरी को सर घुमा करके पूरी गांव में क्या लगाने लगा, चक्कर लगाने लगा और कहने लगा जाते रहो राधे राधा जाते जाते। उसने छोटे भाई सिपाही की तरफ छोने वाले जाते रहो पुकारते चले गए। छोने वाले अभी यहाँ एक छोटे से बालक की भाषा है जो पुतला करके बालता है। छोने वाले यानी सोने वाले, जागते लहो लहो यानी लहो, सोने वाले जागते लहो। मगर रात तो अंधेरी होनी चाहिए। महमूद को ठोकर लग गई, उसके हाथ में सिर छूट कर वो गिर पड़ी। सिर पे उठाया हुआ था, चल रहा था, उसने पे ठोकर लग गई। ठोकर लगती टोकरी सिर से क्या हो गई, धड़ाम से नीचे गिर गई। और ऐसे ही नीचे गिरे तो उनका जो सिपाही था सिपाही की क्या टूट गई, कान टूट गई। मोहम्मद को आज एक अच्छे डॉक्टर की सलाह लेनी पड़ गई। उनको ऐसा महर मिल गया जिसके टूटी टांग को आनंद खान में जोड़ा जा सकता है और जोड़ने के लिए केवल एक ही दूध चाहिए, वो था गुलर का दूध। गुलर का दूध आता है, टांग जोड़ ली जाती है, सिपाहियों का फिर खड़ा रह जाता है। वहां जवाब दे देती है। शल्य क्रिया असफल हुई, ऑपरेशन से करना उसी के लिए कहते हैं शल्य क्रिया। उसका ऑपरेशन किया गया और ऑपरेशन क्या हो गया, असफल हो गया, ऑपरेशन फेल हो गया, उसकी टांग जोड़ नहीं पाई। दूसरी टांग भी तोड़ दी जाती है, अब कम से कम आराम से बैठ सकता है। अब एक टांग पे वो चलने लगा, एक टांग उसकी काम करने गई थी और एक टांग भी चलना असंभव था, तब उसकी दोनों टांगे काट दी जाती है ताकि वह आराम से बैठ हो सकता है। अब एक टांग से न तो चल सकता न बैठ सकता, अब सिपाही सन्यासी हो गया यानी साधु का संदूकांड लिया, बैठ करके तपस्या करने लगा। अपनी जगह बैठा बैठा फैला देता है, कभी कभी देवता भी बन जाता है, उसकी सर पर लगातार साफा खर्च दिया जाता है। अब उसका जितना रूपांतर चाहो कर सकते, कभी उसको सन्यासी बना दिया जाता है, कभी उसको सिपाही बना दिया जाता है, कभी उसके सिर से उसका पार्टा करके पिंजा कर दिया जाता है। अब जैसा चाहे वैसा उसका रूप का रूपांतर किया जा सकता है, यानी रूप का रूपांतर यानी उस व्यक्ति के जिसे हम जैसे कहते हैं ना बहु रूपिया, बहुत सारे रूप बनाने वाला, उस रूप में परिवर्तित कर दिया जाता है। अब हम आपको हाल सुनाने जा रहे हैं मिस्टर हामिद के यानी मियां हामिद के। अब आप अच्छी तरह से मियां हामिद के समाचारों को सुनिए। अमीना उसकी आवाज सुनते ही दौड़ी और उसे उठाकर गोद में प्यार करने लगी। जैसे ही हामिद घर पर पहुंचा, उसकी आवाज को सुना, उसकी दादी बहुत बड़ी प्रश्न हुई और प्रश्न होने के बाद उसने बच्चे को क्या कर दिया, गोद में उठा लिया। क्यों? क्योंकि मेरा बालक उस मेले में सरकुशल लौट करके वापस घर आ गया। लेकिन जैसे ही उसने उस बालक को देखा तो सहसा क्या हो गई, चौंक उठी। क्यों चौंक उठी? क्योंकि उसके हाथ में क्या था, चिमटा था। उस चिमटे को देखा तो चिमटे को देख करके वो क्या हो गई, एकदम चौंक पड़ी। ये चिमटा कहाँ था प्रश्न कर रही है, इसके पीछे चिन्ह लगा हुआ है, जिसमें प्रश्न वाचक का चिन्ह है, ऐसे चिन्ह लगा हुआ है। तो कह रही है ये चिमटा कहाँ था, मैंने मोल लिया कर देना है। के पैसे में, के पैसे यानी कितने पैसे में लिया, तीन पैसे लिए। अमीना ने छाती पीट ली, छाती पीटना यानी दर्द सहन कर लिया, यानी बहुत बड़ी खुशी हुई। ये कैसा बेसमझ बालक है कि दोपहर हुआ कुछ खाया नहीं पिया लाया चिमटा। दुखी होकर के अमीना कह रही है कैसा बालक है, तीन पैसे दिए थे कुछ खाने के लिए लेकिन न तो ये उसने कुछ खाया न कुछ पिया, दोपहर हो चुकी है, भूखा प्यासा, एक चिमटा खरीद करके तीन पैसे का लौट करके वापस घर को आ गया। सारे मेले में तुझे कोई चीज ना मिली, जो लोहे का चिमटा उठा लाया। उसकी दादी कह रही है कि पूरा इतना मेला लगा हुआ था, न जाने कितनी दुकानें सजी हुई थी,
कितनी दुकानें सजी होने के बावजूद भी न तो तुमने कुछ खाया न कुछ पिया, लेकिन आखिर में लेकर के भी आया तो क्या आया? एक चिमटा। हामिद ने अपराधी भाव से कहा, अपराधी समझते हो ना, जिस व्यक्ति को सजा मिलनी होती है या किसी ने किसी प्रकार का कोई दोष किया है या कोई गुनाह किया है, उस गुनाह के रूप में वो दोषी के रूप में खड़ा था। तुम्हारी उंगलियां कभी से चलती थी ना, उसने कितना बड़ा उसने मार्मिक शब्दों में वर्णन करते हुए कहा है, यदि कोई अच्छा व्यक्ति सुने तो उसकी आंखों में आंसू आ जाए, छाती फट जाए। वो कह रहा है, मां तुम्हारी अंगुलियां है ना, वो तवे में क्या होती है, जलती है, और ये जलती हुई अंगुलियां मैं देख नहीं सकता, इसलिए मैं क्या उठा करके लाया हूँ, मैं एक चिमटा उठा करके लाया हूँ। बुढ़िया का क्रोध उत्पन्न सहन बन गया। जैसे ही बुढ़िया ने क्रोध किया और जैसे ही उसके शब्द हामिद की सुने तो क्रोध का उसने में बदल गया, प्रेम में बदल गया, प्राण प्यार में बदल गया, और शरीर विवरणे जो प्रलब होता है, मतलब दिखावी रूप से जो हम करते हैं प्रलब, यानी दिखावी रूप से जो स्नेह करते हैं, स्नेह नहीं था, ऐसा स्नेह था जो आत्मीयता से मन से होता है, उस प्रकार का जो स्नेह था अपनी सारी कसर शब्दों में बिखेर देता है। ये मूक स्नेह था, चुपचाप, उसे कोई देख नहीं सकता, अंदर ही अंदर अंतर मन से खूब खोस रस स्वाद से डालना। बच्चे में कितना त्याग, कितना श्रद्धा और कितना विवेक है। देखिए बच्चे में गुण विकसित हो रहे हैं, क्या गुण विकसित हो रहा है, त्याग का, नदी न पिए कभी अपना जल, वृक्ष न खाए खाए कभी अपना फल, अपना तन अपना मन अपना जीवन इसके लिए है, देश के लिए है। उसी प्रकार से उसके बालक के मन में भी त्याग की भावना पैदा होती है। दूसरा है सद्भाव, दूसरों को सम्मान दृष्टि से देखना, देखना सम्मान भाव रखना, और तीसरा है विवेक, सोच बुद्धि। अब बालक में त्याग का, सद्भाव का और विवेक का गुण विकसित हुआ, दूसरों को खिलौने लेते उठाते देख उसका मन बहुत लज्जाया होगा। अब बुढ़ी माँ मन में विचार कर रही है, देखो मेरे बच्चे में कितनी त्याग की भावना है, कितनी सद्भाव की भावना है, कितना उसका विवेक है, दूसरे बच्चे जब खिलौने ले रहे हो थे तब मेरे बच्चे का मन भी ललचाया होगा, कुछ बच्चे खा रहे होंगे तो उसकी जवान भी ललचाई होगी, लेकिन उसने कुछ भी नहीं खरीदा कि मेरे लिए चिमटा खरीदा है, मन इतना ललचाया होगा, इतना जब से हुआ कैसे, मतलब इतना सब कुछ वो कैसे सहन कर गया, जब यानी सहन करना सहन कैसे कर गया, वह भी अपनी बुढ़ी दादी की याद बनी रही। उसने कहा कि जब वो मेले में गया तब वो सब कुछ सहन कर गया, उसने न कुछ खाया न कुछ पिया न कुछ खरीदा, लेकिन जब मेले में भी घूमने लगा तब उसके दिल में उसके दिमाग में उसके मन में उसके मस्तिष्क में उसकी बुढ़ी दादी रहती थी। अमीना का मन गदगद हो गया, गदगद होना यानी प्रश्न खेला था। बुढ़िया अमीना बालिका अमीना बन गई। अब एक दूसरे के विपरीत का, हामिद सा वह बुढ़िया का काम करने लगा, बुढ़िया की वो हामिद का काम करने लग गई, बुढ़िया अमीना बालिका अमीना बन गई, वह रोने लगी। जैसे ही बालक के अच्छे कार्य को देख करके, समर्पण को देख करके, त्याग को देख करके, विवेक को देख करके, जो बुढ़ी माँ थी जो ढाढ़स बनाने वाली थी वो जो जो से रोने लगी, जो काम हामिद को करना था, और हामिद को रोना था, वो अपनी बुढ़ी दादी को क्या बना रहा था, ढाढ़स बना रहा था, मतलब एक दूसरे का काम कर रही थी, जो काम हामिद को करना था वो दादी अमीना कर रही थी, जो काम दादी अमीना को करना था वो कौन काम कर रहा था, छोटा बालक हामिद कर रहा था। दामन फैलाकर हामिद के लिए दुआएं की जाती थी, उसने दामन फैलाया, दामन है ना पल्लू, पल्लू फैलाकर उसने क्या मांगा, हामिद के लिए दुआ मांगी, हे रब
हे ईश्वर हे परमात्मा हे परमेश्वर मेरे इस बच्चे की आयु को क्या करना लंबा करना इसमें त्याग समर्पण सेवा का भाव पैदा करना जगाना और आंसू की बड़ी बड़ी बूंद गिर जाती है हामिद इसका ऋषि क्या समझता लेकिन हामिद तो बच्चा था माँ रो रही थी लेकिन उस माँ के रोते हुए आंसू जो आंखों से टपक रहे थे वह हामिद को दुआ दे रहे थे आशीर्वाद दे रहे थे लेकिन वह छोटा सा बालक उसमें कुछ भी समझ नहीं पा रहा था इस प्रकार से उस छोटे से बालक हामिद ने अपने त्याग से अपने सेवा भाव से और अपने विवेक से अपना नाम प्रसिद्ध कर दिया और दादी अमीना उसको बहुत बहुत क्या दे रही थी आशीर्वाद दे रही थी इस प्रकार से ईद विभाग के मेले का वर्णन मुंशी प्रेमचंद जी ने किया है इसमें तीन प्रकार के जो प्रश्न है तीन प्रकार के प्रश्नों में से काफी प्रश्न हमने हम कर चुके हैं प्रश्न क्रमांक जो 8 है उसमें उसने बताया है कि ईदगाह का जो मेला लगा था उसमें ग्रामीण परिवेश कैसा था उसका आपको वर्णन करना है और लंबा जो प्रश्न है हामिद के अतिरिक्त इस पाठ में किसका चरित्र जो चित्रण है कौन सा जो पात्र है जो आपको सबसे अधिक प्रभावित करता है वो प्रभावित करने वाला है वो आमीना उस आमीना का आपको वर्णन करना है और प्रश्न क्रमांक 12 में दो प्रकार की सब प्रश्न व्याख्या दे करके रखी है उन दोनों सब प्रश्न व्याख्याओं का आपको क्या करना है सब प्रश्न व्याख्या करनी है जय हिंद जय भारत से अगला पाठ कल से प्रारंभ करने वाले हैं।